एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि हमारी वॉल जो है हमने ट्रांसफॉर्मेशन की थी, और मैंने आप लोग को कहा था कि मैं इसका वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। और ये हमारी वॉल है बिफोर, और ये फाइनली हमारा लोगो जो था इतने टाइम से, जो फ्रेंड्स नहीं हो पाया था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है फ्रेंड्स आज बाहर के, पूछो मत मैं कैसे कैसे वॉइस ओवर करी, मैं ही जानती हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये जो हमारा लोगो का जो था वो बन के आ गया। ऊपर लिखा है मेकअप बाय हिना शेख, और नीचे मेरी यूट्यूब की आईडी लिखी है, और ये HS जो हिना शेख का जो मेरा मेल है। सो फ्रेंड्स हमारी वॉल फाइनली कम्प्लीट हो चुकी है, और अभी हमारा लोगो वाला यहाँ पर लग रहा है। और हमने फ्रेंड्स ये बोर्ड को भी कलर कर दिया पूरा गोल्डन कलर का, और फ्रेंड्स इसमें पूरा एक दिन लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एजेस थे ना, ये सब कॉर्नर बहुत थे, इसके से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और भाई फैन क्यों चालू कर दिया हमारा, पूरा मेरे ब्लॉग का नाश कर रहा है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और ये इस पे लगेगा, इसके पीछे हम लोग लगाने वाले हैं लाइटिंग। लाइटिंग लगेगी ना फ्रेंड, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा फिर। और हम लोग का यहाँ पे लगने वाला है, और माशाल्लाह हम लोग ने पहले से ही लगा दिए हैं, और ये दूर से कुछ ऐसा लग रहा है। वॉल हमने पूरी वॉल चेंज कर दी है फोटोशूट के लिए, और मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। ठीक है, 2000 years later. So friends, finally हमारा वॉल का मेकओवर हो चुका है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, नहीं जैसे कि मैंने आप लोग को कहा फ्रेंड्स कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इसको अच्छे से दिखाऊंगी। तो ये फाइनली हो चुका, यू कैन सी माय लोगो हियर, एंड यहाँ पे मेरा यूट्यूब का आईडी लिखा है, यहाँ पे मेरे इंस्टा का आईडी लिखा है, एंड देन यहाँ पे हमने वो जो पहले वाला फ्रेम था, और इसको एक हमने खाली एक फ्रेम के लिए यहाँ पे ऐसा ये वाला जो स्ट्रिप मिलता है वो यहाँ पे लगा दिए। और ये वॉलपेपर एकदम सही डिसीजन था मेरा लगाना, बिकॉज ये हमारे ऑल ओवर सलोन पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। मैं आप लोग को अच्छे से दूर से दिखाती हूँ, सो इट्स एक्चुअली लुक लाइक दिस दूर से। बिकॉज फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा सिंपल इसलिए हम लोग ने रखा है क्योंकि फ़ोटोशूट के लिए बहुत ज़्यादा कलर्स और ब्राइटनिंग नहीं चाहिए बैक साइड, इसकी वजह से ये ऐसा मैंने बनवाया है, और बहुत ही सिंपल और डिसेंट लग रहा है, पहले वाले से बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब मैंने वो बनवाया था तभी वो ऐसे ही चलते थे, बट अभी ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने कुछ लाइटिंग अंदर लगवाई है, एंड देन ये स्ट्रिप्स हमने अपने रिसेप्शन पे भी लगाई ताकि ये इसको कॉम्प्लीमेंट करे पूरा एक साथ। एंड देन फ्रेंड्स मैं आपको इसको लाइट बंद करके दिखाती हूँ, ये लाइट बंद करके भी अच्छा ही लग रहा है, मतलब क्योंकि जब मैं फ़ोटोशूट करूँगी ना फ्रेंड्स तो ये लाइट जो है ना वो बंद रहने वाली है, क्योंकि अगर मैं फ्रंट से लाइट मारूंगी ना फ्रेंड्स फेस पे क्लाइंट के, तो वो इस पर लाइट रहेगी तो फोकस मेरे कैमरे पे आएगा, तो इसकी वजह से अगर आप लोगों को समझा होगा तो इसीलिए ये लाइट हमको बंद रखनी पड़ेगी। अदरवाइज जब कुछ नहीं रहे तो हम इसे ऑन रख सकते हैं, तो लाइट्स की वजह से तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है, और ये हमारे सीलिंग को भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब पूरा एक अच्छा दिख रहा है, मतलब सामने से तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, फोटोज़ वीडियोज़ में भी बहुत अच्छा लगने वाला है। मैंने ऑलरेडी इसकी एक शॉर्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाला रील्स भी अपलोड कर रखी है, शॉर्ट्स भी अपलोड कर रखा है, आप चाहे तो जाके देखो, लाइक करो, शेयर करो, अगर किसी को भी ऐसे मतलब कोई आपके है तो अगर जिसको ऐसा बनवाना है तो वो बनवा सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा डोर है ना, एक्चुअल में इस पे पहले मॉडल्स के फोटोज थे, तो वो पहले तो हमारा डिसीजन था कि इस पे हमको नहीं लगाना है, कि इतना ही लगाना है जितने पे हमको फोटो लेना है, बट फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था बिकॉज ये पूरा एक फ्रेम बन गया अभी, और पहले ये सिर्फ डोर का एक डिफरेंट पार्ट लगता था, और फ्रेंड्स इसको लगाने में पूरा एक दिन लग गया, और ये देख रहे हो आप छोटे छोटे जो कट्स हैं ना ये सब लगाने में बहुत टाइम लगा, थैंक्स टू माय ब्रदर, उसने बहुत मेहनत का पूरा दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया है, बहुत ज़्यादा अच्छा आया है।
एंड देन यहाँ पे हमारा ये वाला वॉल हो गया है कंप्लीट। अब इस देखते हैं इसे कौन ओपनिंग करेगा, यानी कौन सी ब्राइड फर्स्ट होगी जिससे हम ये फोटोशूट करेंगे। बट मैंने ऑलरेडी मतलब इसका ओपनिंग हो चुका है, मैंने ऑलरेडी इंस्टा पे रील डाल दिए। मैंने हेयर का कुछ काम किया था तो उसका मैंने डाला था। इस मतलब बहुत ज़्यादा कम आउट आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो इसकी वजह से फाइनली बहुत अच्छा डिसीजन रहा इसको बनवाने का। बहुत पैसे चले गए फ्रेंड्स। 2000 years later. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, friends. तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल, हम लोग को शॉपिंग करना है और अभी हम लोग जस्ट निकल रहे हैं। अभी हमने राइड बुकिंग करी अपनी, अभी जब राइड आएगी तो हम लोग निकलेंगे और आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। और ये मेरी वैन है, हम लोग तीन जन जा रहे हैं वेटिंग फॉर राइड। सो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली हम लोग को ऑटो जो हमने बुक करे थे वो आ गई। बार बार कैंसिल हो जा रहा था फ्रेंड्स, इतनी गुस्सा लग दी थी। तो फाइनली ऑटो मिल गई है और अब हम निकल रहे हैं मॉल जाने। तो फ्रेंड्स, ये मॉल की एंट्रेंस पे इतना प्रिटी सा कुछ बना था फ्लावर का, तो आई क्लिक सम पिक्चर ओवर हियर। एंड देन फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं शूज़ के सेक्शन में। जूडियो हम लोग आए हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे शूज़ के कलेक्शन बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। बट आई हैव लॉट्स ऑफ शूज़, इसके वजह से मुझे शूज़ नहीं लेना, नहीं तो मेरी माँ मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, अब हम लोग के पास जगह नहीं है और शूज़ और चप्पल रखने के लिए। हमारा जो शूज़ वाला रैक है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा भर चुका है, उसमें से बाहर आ रहा है सब सैलाब। फिर भी मेरी बहन ने दो तीन देखे यहाँ पे, हम लोग को अच्छे लगे। बट हम लोग का जब कुछ थोड़ा बहुत ख़राब हो जाएगा ना, तब हम लोग आएंगे यहाँ से ज़रूर लेने इंशाल्लाह। और ये सब सारे के सारे फ्रेंड्स ट्रिपल लाइन में थे, तो मैंने यहाँ पे कुछ टी शर्ट्स वगैरह अपने लिए ली थी, एक दो टॉप हम लोग ने लिए। एंड देन फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बिलिंग के लिए आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा रश था। फ्रेंड्स, हम लोग ने दो टी शर्ट लिए और एक ग्रीन और एक रेड। मैं सोच रही सिर्फ ग्रीन ले लूँ, रेड नीचे में। रेड मेरी है ना? नहीं, मेरी है। फ्रेंड्स, हम लोग ने दो टी शर्ट लिए रेड। ये कौन सा है? फ्रेंड्स दोनों ले लें। नहीं, पर मैं पहनूंगा। वेयर फ्रेंड्स, टॉय कितने प्यारे हैं, देखो कितने प्यारे टॉयज हैं। मेरा टॉय लेने का मन कर गया है। व्हाट दैट, चलो वो उसकी एंट्री ढूंढेंगे ना। फ्रेंड्स, हम लोग ना कोई और शॉप की एंट्री ढूंढ रहे, पर हम लोग को मिल नहीं रही है। एक्चुअली हम लोग को ना बाउल लेना है। बाउल वेर? अब हम लोग ना फ्रेंड्स तीन बार एक ही जगह पर राउंड राउंड एक ही जगह पे 10 बार घूम चुके हो। नहीं, यही है तो यहाँ से कहीं गई नहीं अपू, यहीं पे आई नहीं अपू। वैसे ऐसे कैसे? हाँ, कॉपर बॉटल ले लेते, कॉपर बॉटल। फ्रेंड्स, हम लोग ने अभी थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है, अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग कुछ लेना थोड़ा बहुत सामान वो लेने जा रहे हैं अभी। और यहाँ पे बहुत सारी टी शर्ट नहीं अच्छी है जी, बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है। लेना है तो लो। I like this. $6.99. मैं कुछ नहीं ले रही, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। 2000 years later. हम लोग राज कचौरी मंगाई है, ऐसा फिल्टर और हम लोग की रस मलाई। फ्रेंड, मॉल में कबूतर आ गया, वो पर वीडियो में नहीं आना चाहता।
मॉल में कबूतर आ गया फ्रेंड्स, बनाना हुआ तो उसको वीडियो में लेने की कोशिश करी पर वो आया नहीं, पता नहीं पूरा पैक है फिर भी कबूतर कहाँ से आ गया। ये पिंजरा खुल गया। 2000 years later. सो फ्रेंड्स, इन लोग की मम्मा का इन लोग ने हेयर देखा और इन लोग को इसकी मम्मा का हेयर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो इन लोग को चाहिए अपनी मम्मा की तरह हेयर, राइट। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने ना ऐसे चिट्ठी बनाए हैं चार, ठीक है, फोर चिट्ठी है, दोनों में से जिसका भी नाम आएगा चिट्ठी में सपोर्ट करेंगे। अच्छा, वोटिंग लाइन खुली है, ठीक है, सपोर्ट करो इन लोग को। तो जिसका भी नाम आएगा उन लोग के हेयर मम्मा की तरह होंगे, ठीक है। तो मम्मा का हेयर दिखा देते पहले, बहन इधर आ जल्दी। तो हम लोग इसकी मम्मा का हेयर दिखाते हैं, इसकी मम्मी सेट प्रॉपरली ब्रो, इसकी मम्मा का हेयर दिखाते हैं हम लोग आपको। इन लोग को अपनी मम्मा की तरह हेयर चाहिए क्योंकि आज ही इसकी मम्मा का हम लोग ने करे हैं ब्लू टॉक्स। मैन शो योर हेयर बैक साइड, शो योर हेयर फ्रॉम बैक साइड ओनली। तो फ्रेंड, ये मेरी बहन का हेयर है जो आज ही ननुरा से, तो इन लोग को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो वो दोनों में से लेकिन एक ही का हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही का होगा, ठीक है। तो ये इसकी शर्त है और रोएगा नहीं जिसका भी नहीं होएगा, ठीक है। रिदा रेडी हो? ठीक है, तो प्रॉमिस करो पहले कि जिसका भी होगा वो, मतलब वो तो हैप्पी रहेगा जिसका भी होगा, और जिसका नहीं होगा वो रोएगा नहीं, ठीक है। प्रॉमिस करो, शिकन करके प्रॉमिस करो, नहीं रोना है, ठीक है। चलो, वैसे किसके बाल को ज्यादा जरूरत है? मेरे बाल को। अपने बाल के बारे में फाइव थिंग्स बताओ जो बहुत बुरी है, एक एक जन बताओ। पहले रिदा बताइए, मतलब क्यों क्यों तुमको कराना है मम्मा की तरह ट्रीटमेंट? बाल बहुत कर्ली है। और ना फाइव फाइव, चलो एक तो हो गया कर्ली है, दूसरा। और जब मैं बाल बांधती हूँ लाउडली, जब मैं बाल बांधती हूँ उससे भी, तो भी मेरे बाल में का झट्टा बन जाता है, झट्टा बन जाता है। ओके, दो थ्री। फिर ना मेरी ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम? चलो, गुत्ता तो हो गया ना, अभी प्रॉब्लम क्या है? थर्ड प्रॉब्लम क्या? उससे बाल थोड़ी आपके शॉर्ट होंगे। पर चलो, फोर्थ 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 प्रॉब्लम, बाल कट जाते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम, वही बोल रही, जब बाल कट जाते हैं तो उसमें, जब बाल कटने के बाद मेरे को बहुत दर्द होता है, जब एक बार बाल जब बांधते हैं तब बहुत दर्द होता है। और फिफ्थ वाली, जल्दी, फिफ्थ वाली बहुत गंदी है। क्या? क्योंकि मेरे बाल इतने दुखते हैं, इतने दुखते हैं, इतने दुखते हैं बांधने के टाइम। अच्छा, तुम्हारी फाइव प्रॉब्लम बताओ। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, जब मैं अरे बाल दो प्रॉब्लम बता दी, थर्ड प्रॉब्लम बता। देखो क्योंकि वहाँ पे मामा हम लोग, इसलिए हम लोग को जगह चाहिए, हम लोग टेरेस पे आ गए। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि मेरे बाल बहुत जल्द कूद, सीन कैमरा, मेरे बाल बहुत कर लिए, मेरे बाल कहीं पे भी अटक जाते हैं और वो निकलते नहीं बहुत देर के बाद। और एक बार मैंने अपने बाल में ऐसा ऐसा ओबेक कोमिंग कर, हाँ वो वीडियो है यूट्यूब पे, आप लोग जाके जल्दी, वो तो तुम्हारी चर्बी से किया आपने वीडियो। मैंने एक बार पूरा बैक कोमिंग करी थी, मेरे पूरे बाल निकल गए, तो इसलिए मेरे को वो करवाने का केराटिन। ओके ओके, नहीं नहीं अभी जल्दी थिंग्स बता, क्यों तुमको कराना है? फिफ्थ थिंग ये है, मेरे बाल में बहुत जल्द गुत्ता हो जाता है, फिर मेरे को बहुत। चलो, दोनों का मेन प्रॉब्लम है क्या? नॉट्स होता है, राइट। अब ये प्रॉमिस कर लो कि कोई रोना नहीं, बट ठीक है, जिसका नहीं आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो वी हैव हियर फोर चिट्स, अब दोनों में से, ये चारों में से कोई एक चिट इन लोग उठाएंगे, ठीक है। एक एक ही उठाना, ब्रिदा उठाए या जायना उठाए, एक ही उठाना, दोनों में से कोई एक ही उठाना। नहीं, छोटी बहन को उठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रिदा रेडी हो? चलो रेडी, गेट सेट गो। पहले दूर दूर बैठो, दोनों दूर दूर बैठो। चलो, सो रेडी स्टडी गेट सेट गो। चलो खोलो रिदा, किसका नाम आता है फ्रेंड्स देखते हैं। ओ रिदा एक्साइटेड, क्या आया रिदा? दिखा।
मैंने बोली भी रोएगा नहीं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। इतना गंदा रो रही है, सीरियसली रो रही है। जायना मैंने पहली बार भी रोना नहीं, जायना मैंने पहली बार भी रोना। जायना से कोई रोना सीखो, एकदम दो मिनट में बिना बात के रोती है, देखो आंसू निकाल के रो रही है। आंसू जायना आंसू, एक बार रुक जाना, एक बात तो सुन मेरी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उसने दो मिनट में रो दी बिना कोई बात के। जायना ऊपर बैठो, ऊपर तो मेरी बात तो सुन लो। अरे ऊपर तो बैठो, बता रही हूँ ना, करवाना ऊपर तो बैठो पहले, जो मेन बात है वो तो सुनो। रिदा ना मैं बैठो ना, जल्दी ऊपर बैठो ना, जाए ना जल्दी बैठो। चलो रिदा सुनो मेरी बात तो सुनो, अब तुम जीत तो गई हो, रिदा जीत तो गई है जाए ना, ठीक है। लिसन जाए ना, फर्स्ट लिसन, यू हैव पेशेंस, सुनो। रिदा जीत गई है, पर ये जो ट्रीटमेंट है ना वो 18 साल के बाद होता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये नॉट फॉर चाइल्ड ब्रो। जब तुम 18 साल की होगी ना, तो अभी कितने साल बाकी आपको ट्रीटमेंट कराने? अभी हाउ ओल्ड आर यू रिदा? 19 हो गई है, भूल जाएगी तो मुझे तो याद रहेगा ना, ठीक है। तो आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारा बाल सही करूंगी, लाइक योर मामा, ओके। नो 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 रिदा, रिदा विंस भाई, मैं तो कराऊंगी भैया। अभी तो रो रही थी आंसुओं से, अब दिखा अपने आंसू। इतना गंदा मुंह मत करो, ये प्रैंक था, ठीक है, ये प्रैंक। और मेरी बात सुनो, 18 साल के जब 18 इयर्स को हो जाओगे तो दोनों का कर दूंगी, ठीक है। हाँ, मैं तो हो जाऊंगी, रिदा का नहीं होएगा, क्योंकि क्यों रिदा क्यों नहीं होगी 18 की? मेरे से 3 साल छोटी है, तो 3 साल बाद होगी रिदा। नहीं लेकिन मैं तो पहले ही करा लूंगी भैया। अरे तेरा 18 साल होगा, तू करवा लेना 18। हाउ इतरावनी जायना यू आर, रिदा भी इतरावनी। रिदा गिव मी टू मी, रिदा फिर भी तुम फिर भी तुम नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे पहले करी थी, नहीं करी होगी। इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं हम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।